कानून का। कानून का मर्डर किया है ना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, जाने दीजिए। लेकिन सर, इट्स एन ऑर्डर। यस सर। हाँ दीदी। ए, चलो यहां से। अरे रो क्यों रही है पुत्र, विक्रम मेरे साथ ही है। वो दरअसल हम दोनों को नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की अर्जेंट मीटिंग के लिए आना था, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल था इसलिए किसी को नहीं बताया। चलो घर पर आकर बात करते हैं। चल बेटा, तेरी माँ घर पर इंतजार कर रही है, चल घर चल। मम्मी जी, वो अब तो आपको यकीन आ गया ना, वो विक्रम दीवानी है वो। और नहीं तो क्या, अगर वो मानव होता तो मम्मी जी अभी हम ना अपनी गाड़ी में नहीं जेल में बैठे होते। पर बिट्टू यार, मैंने एक गल समझ नहीं आई, उसने हमें छोड़ क्यों दिया? वो राणे गल नु समझ, रिश्तेदारी बड़ी चीज है। देख, हम सरबजीत के साले, सरबजीत उसका साला, आई गल समझ? मम्मी जी, वो मानवी जाओ ना, क्यों मानव नहीं है, विक्रम दीवानी है। तुमने किसी पे जानलेवा हमला किया है और उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो समझ जाना कि उसके छोड़ने की वजह उसकी जान से ज्यादा जरूरी है। मैं आ गया, गोभी के परोठे, तेरे मेरे प्यार के बीच तो कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। ये रुड़ जाना मानव है, उस हराम खोर की याददाश्त वापस आ गई है। अब ये कंजर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। ओले ओले, क्या हुआ मेरे कॉलन को? बिल्कुल नहीं रोते चौदा बेबी, नहीं रोते। बेबी 102 फीवर है। सॉरी अमृता, लेकिन अगर मैं खुद इतनी बीमार ना होती तो आप लोगों को ऐसे आधी रात को तकलीफ ना देती। तुसी कमाल कर रहे हो हरलीन जी, वो जी इसमें तकलीफ वाली कौन सी गल है? और क्या हरलीन जी, ये तो घर की बात है। वो जी तुसी बस अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। मुझे तो करण की बहुत टेंशन हो रही थी, बेचारे की इम्यूनिटी पहले से इतनी वीक है, रब ना करे अगर मैं इसे संभालूं और मुझसे कोई इन्फेक्शन इससे हो जाए तो। अमृता प्लीज डोंट माइंड, अगर आप दोनों करण के पास रुककर इसे थोड़े दिन संभाल लेते तो। हरलीन जी, मैं जरूर रुक जाती, लेकिन घर पे यूवी को भी संभालना है, और अगर आप लोग कहें तो थोड़े दिन के लिए मैं करण को अपने साथ ले जाती हूँ। ऐ गल बिल्कुल सही है जी, वो जी इसी बहाने कुछ दिन शेर अपनी नानी के घर मजे करेगा, क्यों भाई करण? नहीं नहीं, I mean, अच्छा नहीं लगेगा ना, मैर क्या सोचेगी, उसके जीज और दी को करण की जिम्मेदारी दी है, उसके जाते ही हमने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया तो मैर को अच्छा नहीं लगेगा ना। वो ऐसी कोई गल नहीं है रॉबी जी, मेहर को मैं समझा दूंगा। हरलीन जी, आप इतने बुखार में भी करण के पास बैठी हैं, ये कोई क्या कम बात है क्या? हाँ, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, करण को ना मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। रॉबी, वो करण के प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिसिन, वो यही। वो यार अमृता, वो क्यों नहीं परम को भी ना ले चले? वो वैसे सुबह उठ के ऐवें रोना इसने, इस परम का छोटा ब्रदर कितने गया है जी? नहीं नहीं, परम को सोने दीजिए, परम रोएगा तो मैं हूं ना, मैं चुप करा लूंगी उसे, मैं संभाल लूंगी। चंगा जी, तो फिर असी लोग चलते हैं। हरलीन जी, रो, सत श्री अकाल जी, ध्यान रखना। सत श्री अकाल, थैंक यू जगा जी, थैंक यू अमृता जी। दुबई एयरपोर्ट पे आ
आपका स्वागत है। मेहर जी आप यहाँ बैठिए, मैं अपने लिए ब्लैक कॉफी लेके आता हूँ। कौन आ गया? नेटवर्क आ गया। अब शू शटाक से कॉफी ले आओ। सरबजीत जी क्या हुआ? मुझे अभी अभी केमिस्ट का नोटिफिकेशन आया है, ये देख। आधी रात को घर पे ये सारी मेडिसिन डिलीवर हुई। लेकिन आपके पास ये मैसेज कैसे आया? हरलीन दी और मेरा नंबर एक ग्रुप में सेव किया हुआ उन्होंने, तो उसी पे नोटिफिकेशन आया। Thank God, इतनी बड़ी मुश्किल, इतनी बड़ी टेंशन से। देखा बेबी कैसा था आइडिया रॉबी द रॉबर का? हरलीन जी अब हरलीन जी रोबी जी वो मैं मेरा फोन यहीं भूल गई थी, सॉरी। मेहर, मेहर का वीडियो कॉल। हाँ मेहर दी, इतनी रात को घर पे मेडिसिन क्यों आए? सब कुछ ठीक है ना? अब सब ठीक है, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। क्यों दी, सब ठीक है ना? कुछ नहीं होया, नथिंग सीरियस, थोड़ा सा फीवर हो गया। पर दी वो मेडिसिन तो बच्चों के लिए है ना? हाँ वो एक्चुअली एक सिली मिस्टेक हो गई थी। डॉक्टर त्रिखा है ना, उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी उनका बंदा गलत मेडिसिन ले आया, वो किसी और को और किसी और की मेडिसिन यहाँ पे ले आया। सो नथिंग सीरियस अबाउट इट, दूसरी लोग कुछ वरी नहीं करो। हाँ एक बार परम और करण को दिखा दो ना। एक मिनट। हाँ वो मेरे सामने ही हैं बच्चे, दोनों सो रहे हैं आराम से बेड पे, और मैं हूं ना उनके पास। उसी लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करो। देखो करण, परम दोनों किन्ने प्यार नाल पोड़े बेच के सो रहे ने। हाँ हैप्पी। चलो ठीक है दी, अपना ख्याल रखना, गेट वेल सून। ओके टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ मेहर जी, अब इतने परेशान क्यों लग रही हैं? सरबजीत जी जब मैं करण को घर पे छोड़ के आई थी तो उसने ग्रीन कलर का ब्लैंकेट पहना हुआ था। अभी उसे येलो कलर के ब्लैंकेट में लपेटा हुआ है, कहीं वो। मेहर जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दीना उसका डायपर चेंज किया हो। आपको याद है ना जब हम गुड्डी के घर से वापस आए थे तब भी दीना उसका डायपर चेंज किया था, यही हुआ होगा। बांदरू ने डायपर के साथ साथ ब्लैंकेट भी गीला कर दिया होगा, डोंट वरी। लेकिन आपने देखा ना कैसे दी उसका ख्याल रख रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि हरलीन दी एक दिन करण को डेफिनेटली प्यार करेंगी। मैं कॉफी लेकर आता हूं। वो मेहर और सरब को मैंने ये नहीं बताया कि करण की तबीयत खराब है, सिर्फ इसलिए कि उन दोनों ने वहां पर ऐसी हालत में बेकार में टेंशन में आ जाना था, तो इसलिए। नहीं जी तुसी सही किता, कोई गल नहीं, मैं बाद में आराम से सरब और मेहर को ये समझा दूंगी। आहो जी। सत श्री अकाल हरलीन जी।
यू भी दे पापा की गल है तुझसे बहुत परेशान लग रहे हो कोई गल हुई क्या वो सब ठीक तो है ना मेहर तू फोन पे इतनी घबराई हुई क्यों थी और विक्रम जी कैसे हैं अमृता ने मुझे फोन करके बताया कि उन्हें तो ठीक है वीर जी मुझे एक्चुअली आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी हाँ बोल पर वीर जी सरबजीत जी और मुझे किसी जरूरी काम से सर्बिया जाना पड़ रहा है सर्बिया आप कुछ सवाल नहीं पूछोगे बस यूं समझ लो कि रब मेरा फिर से इम्तिहान ले रहा है मैं दो चार दिन में भी वापस आ सकती हूँ और दो चार साल भी लग सकते हैं तू ये की कह रही है वीर जी बच्चों को यहीं छोड़ के जा रही हूँ हरलीन दी के पास मुझे पता है हरलीन दी के लिए और हम उनकी जान से भी बढ़ते करण के साथ उनको वैसा लगाव नहीं ऐसा क्यों है ये आप भी जानते हो और मैं भी माँ पास ना हो ना बच्चे को पालना मुश्किल हो जाता है मुझसे वादा करो कि अगर जरूरत पड़ी तो आप परम और करण का ख्याल रखोगे अभी और आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे मारने एक चपेट मुझे तुझको कुछ झली है पर जो तेरा हक है उसे तू एहसान मान रही वो तो चिंता ना करो तू छेती छेती सर भी आ जा और उससे भी छेती वापस आ वाहे गुरु जी तेरी बहुत रक्षा करेंगे पुत्र समझी मैं तेरी माँ बहुत समझदार है ना चल कोई नहीं हुए पप्पू आना सही तेरे मामा मामी तो है तेरे मामा मामी के दिल में तेरे लिए ढेर सारी जगह और ढेर सारा प्यार है क्यों अमृता तो ना पुत भगवानी चोट कैसे आई बेटा तुझे तेरी आता पे किसी के साथ तू कहाँ था पूरी रात वो हॉस्पिटल से चला गया सारी रात मैं माता रानी के सामने तेरे लिए अरदासें मांगती थी तू था कहाँ क्या हुआ ऐसे विक्रम क्या हुआ डैड आप तो कह रहे थे कि अरे बेटा कुछ इट्स ओके बस एक छोटा सा एक्सीडेंट एक्सीडेंट तुझे मेरी कसम है तू बता तुझे और कहीं चोट लगी है तू जब रिलैक्स आई एम फाइन कुछ नहीं हुआ तू ठीक नहीं है तू मैं अभी आई आई ओके मेरी तरफ देखो तो सही अदिति क्या बात है ऐसे बात क्या होनी है सब ठीक है नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जिसमें हर दूसरे दिन मेरे बेटे की जान जोखिम में डाले बेटा तेरी जान मुझ में बसती है तुझे चोट लगती है ना तो मुझे दर्द होती है और प्रॉमिस कर तू आज के बाद मुझे बताए बिना ऐसे कहीं नहीं जाएगा माता रानी मेरे बच्चे पे कभी कोई आज इसकी सारी मुसीबतें तो मुझे थी तुझे कुछ होता है ना तो मेरी जान ऐसी क्या देख रहे जैसे पहली बार देख मैं थक गया हूं कि गोदी में सर रख लूं Thank you.
मॉम कुछ अजीब सा सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाके रेस्ट करती हूँ। यार ये मम्मी जी क्या लिखी जा रहे हैं? उस राम और मानव का कत्ल मैं किता सी पिछले साल जुलाई। ए विक्रम दीवान आया है इस साल मार्च। इसका मतलब मानव गायब हुआ है 8 महीने। फिर ए विक्रम दीवान अदिति को कदों मिलिया? मम्मी जी की मंत्र पढ़ी जा रहे हो? आहो मम्मी जी, अब आप किसकी कुंडली बना रहे हो? तो दसो ना मम्मी जी, वैसे ही जान सूखी पड़ी और क्यों सुखा रहे हो? अब ये विक्रम दीवान क्या करेगा? तो कहीं हम तीनों को जेल में तो नहीं डाल देगा? बिट्टू अगर हम तीनों को जेल हो गई ना और कहीं गिन्नी और जीतो भाभी भाग गए तो यार लेकिन अगर उसने जेल करानी होती तो आज छोड़ता क्यों? मेरी बात सुनो, तुम लोग ने मेरे पैर कितनी बार छुए हो? हड्डे पैर? आहो मुझे रोज ही छूते हैं। आहो और मैंने तुम्हारे पैर कितनी बार छुए होंगे? बाकी कह रहे हो मम्मी तुम? मम्मी जी माँ पियो भी कभी अपने बच्चों के पैर छूते हैं? करेक्ट, एकदम करेक्ट। वो माँ पियो अपने बच्चों के आगे हाथ पैर नहीं जोड़ते। तो फिर सूर्य प्रताप दीवान ने अपने पुत्र के आगे हाथ क्यों जोड़े? उसके पैर क्यों जोड़े? ये सब सिर्फ सूर्य प्रताप दीवान ही बता सकता है। और एक बार ये कहानी सामने आ गई तो दुध वक्तन सब साफ हो जाए। मम्मी जी हंसी को समझे नहीं? पुत्र जो समझ नहीं आ रहा है बस वो ही समझ। राम और मानव की याददाश्त वापस आ और अब इसका सिर्फ एक ही मकसद होना, मेहर, मेहर को हासिल कर। आज तक के मैं अपनी कुड़ी को जानती हूं, वह मेरी कुड़ी ने किसी भी हालत अपने पति का साथ नहीं छोड़ना है। नहीं बस वो थोड़ा सा शोल्डर में दर्द है, फ्लाइट में अक्सर हो जाता है। बिजनेस क्लास भी थी फिर भी जब तक मुझे बेड का कंफर्ट ना मिले तब तक। थैंक यू। पता है बचपन से रॉयल लाइफ जो जी है आपने, किंग साइज बेड्स, 24 आवर्स एसी, सेंसिटिव तो हैं आप, पर डोंट वरी, तरकश जी ने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा विला बुक कर दिया, आप वहां आराम कीजिएगा। मेहर जी अब आराम तो तब मिलेगा जब आप इस केस से बारीज़त बरी हो जाएंगे। पेन किलर दो? नहीं नहीं आप आइए ना, बैठिए। मेहर जी मेरे शोल्डर में थोड़ा सा दर्द है और आप इतनी परेशान हो गई, जरा सोचिए विक्रम जी को कितनी चोट आई है, गुड्डी कितना परेशान होगी उनके लिए। मैंने तो तब से उनसे बात भी नहीं की, मैं अभी बात करती हूँ।
अदिति, कैसी हो तुम? हाय मेहर। विक्रम जी कैसे हो? मेहर, मेहर कैसे तू? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.